नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, इस बार दो दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, 18 और 19 अगस्त को। 18 अगस्त जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं जन्माष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा के अलावा लोग लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए कई उपाय भी करते हैं। ऐसे में बांसुरी से जुड़े उपाय अगर न किए तो क्या किया? बांसुरी श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। बांसुरी के बिना श्री कृष्ण जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज हम आपको इस वीडियो में जन्माष्टमी के दिन बांसुरी से जुड़े कुछ उपाय बताएंगे, जिनको करने से न सिर्फ नंदलाल की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की तमाम परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। शुरू करते हैं पहले उपाय से। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बेहद प्रिय है, वे हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते हैं। ऐसे में यदि आपके घर में वास्तु दोष है और इस कारण आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो जन्माष्टमी के दिन आप घर में एक बांसुरी लाएं और रात्रि के समय पूजा में कृष्ण जी को अर्पित कर दें और दूसरे दिन उस बांसुरी को अपने घर में पूर्व दिशा की दीवार पर तिरछी लगा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष धीरे धीरे दूर होने लगता है और जीवन में खुशहाली छाने लगती है। तो वहीं दूसरे उपाय के तौर पर आपको बता दें कि मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है, उस घर पर सदैव कान्हा की कृपा बनी रहती है। बांसुरी शांति व समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना समृद्धि को आमंत्रित करता है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर बांसुरी जरूर लटकाएं। इसके अलावा यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, बार बार आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में जन्माष्टमी के दिन अपने कार्यालय या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर दो बांसुरी लगाएं। ऐसा करने से आपको बेहद ही शुभ परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं अगले उपाय की। कहते हैं कि बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, जिस कारण आपके सभी बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो इसके लिए जन्माष्टमी के पावन मौके पर चांदी की एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। अगर आप चांदी की बांसुरी नहीं खरीद सकते, तो आप एक बांस की बांसुरी भी ले सकते हैं। श्री कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करके फिर पूजा पाठ करके उस बांसुरी को घर के ड्राइंग रूम में लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाएंगी। अगला उपाय वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। अगर पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन हरे रंग की बांसुरी लाएं और उसे बेडरूम में लगा दें। इस उपाय को करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। बताते चलें कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आए दिन बीमार रहता है या फिर तमाम इलाज कराने के बाद भी उसे रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करके विधि विधान से पूजा करने के बाद बांसुरी को बीमार व्यक्ति के कमरे के दरवाजे के ऊपर या फिर सिरहाने रख दे। मान्यता है कि वास्तु के इस उपाय को करते ही व्यक्ति के स्वास्थ्य पर धीरे धीरे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी से जुड़े इन उपायों से
आप पर हमेशा श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।